गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी रेड यूनिट 9. इन यूनिट 9 वी रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक नॉक्टर्नल, डायर्नल. नॉक्टर्नल एनिमल्स आर जो कि दिन में जो है सोते हैं और रात को जागते हैं, रात को जो है एक्टिविटीज़ करते हैं. और डायर्नल एनिमल्स जो कि दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे. ऑन लैंड ज़मीन पर रहने वाले, इन वाटर पानी में रहने वाले, और नेक्स्ट है आपके लैंड एंड वाटर दोनों में रहने वाले एनिमल्स. आज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो इन एक्टिविटी 4 देयर इज़ अ पोएम फॉर यू. रीड द पोएम अलाउड एंड एंजॉय द रोर ऑफ द लॉयन. टू, ट्राई टू इमिटेट द रोर ऑफ अ लॉयन विद योर क्लासमेट. ठीक है, तो इस पोयम में क्या है, आपको लायन जो होता है ना उसकी जो गर्जना होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉर. तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी पोयम है. सो लेट्स रीड दिस पोयम. अ लायंस रॉर. दे से अ लायंस रॉर कैन बी हर्ड 5 miles अवे. ऐसा कहा जाता है कि जो लायंस होता है उनकी जो गर्जना होती है, ठीक है, उनकी जो आवाज़ है उसको गर्जना बोलते हैं और इंग्लिश में रॉर बोलते हैं. उसको 5 miles की दूरी से भी ज़्यादा पर सुना जा सकता है. देयरफॉर इफ़ यू वेक अप वन नाइट एंड यू हियर अ लायंस रॉर. अगर ऐसा हो कि कभी एक रात में आप उठ जाओ और आपको जो है लॉयन की रॉर की आवाज़, गर्जना की आवाज़ सुनाई दे, which is completely different from the old man's snore, जो कि पूरी तरीके से different होती है, अलग होती है जो old man यानी कि बूढ़े लोग होते हैं उनके जो snore means खर्राटे. बहुत सारे लोग सोते समय खर्राटे लेते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, snore. उसकी जो आवाज़ होती है उससे completely different होती है. So don't panic. The lion could be at least 5 miles away. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. पैनिक मीन्स घबराना. घबराने की ज़रूरत नहीं है. लॉयन जो है वो 5 miles से भी ज़्यादा दूर हो सकता है. देन ऑन द अदर हैंड मे बी यू शुड पैनिक. द लॉयन कुड एक्चुअली बी ओनली 5 minutes अवे. और फिर दूसरे हाथ ये भी हो सकता है कि शायद आपको पैनिक होना पड़े क्योंकि लॉयन जो है 5 मिनट की दूरी पर भी हो सकता है. तो ये एक छोटी सी पोयम है विच इज़ रिटन बाय डेविड हैरिस. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, एक्टिविटी 5. इन दिस एक्टिविटी देयर आर सम एनिमल्स एंड देयर साउंड्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू write animal's name in the blank and match it with its right animal. तो आपको क्या करना है, एनिमल का नेम लिखना है और फिर उसके करेक्ट पिक्चर के साथ जो है उसको मैच करना है. जैसे कि मैंने किया है फर्स्ट को बी से और सेकेंड को ए से. इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पर भी कुछ एनिमल्स और उनके साउंड्स हैं उनको मैच करेंगे. आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो है मैचिंग करके लिखना है और मैचिंग करना है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. ऑन नेक्स्ट पेज इन एक्टिविटी 6 देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. रीड एंड एंजॉय द स्टोरी. डियर फ्रेंड्स, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट सिम्बा द लायन एंड द विंड. दिस स्टोरी इज़ हाउ सिम्बा saved non-renewable energy like petrol by introducing renewable energy like wind. ये जो स्टोरी है वो सिम्बा नाम के एक लायन की स्टोरी है और विंड की. ठीक है, तो वो जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि पेट्रोल उसको किस तरीके से बचाता है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड को इंट्रोड्यूस करके. तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है. So let's start the story, the lion and the wind. There was once a very special lion called Simba
हु लिव्ड ऑन द अफ्रीकन सवाना। यह स्टोरी जो है वो एक बहुत ही स्पेशल लायन की स्टोरी है जिसका नाम था सिम्बा, और वो कहाँ रहता था, अफ्रीका के सवाना फॉरेस्ट में रहता था। अफ्रीका में जो है एक सवाना नाम का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। सिम्बा वुड प्ले इन द प्लेन्स रनिंग एंड जंपिंग विद हिज फ्रेंड द लेपर्ड एंड द अदर लायंस इन द एरिया। सिम्बा जो है प्लेन्स में वहाँ पर खेलता था, रनिंग करता था, जंपिंग करता था अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि लेपर्ड थे और उसी एरिए के बाकी के लायंस थे। प्लेन मतलब ओपन एरिया, फॉरेस्ट में जो ओपन एरिया होता है उसको प्लेन्स कहते हैं। सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट। सिम्बा के पास जो है उसको एक स्पेशल गिफ्ट था। फॉर एवरी टाइम ही रॉड ही क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब वो जब भी रॉड करता था यानी कि गर्जना करता था तो एक स्ट्रॉन्ग विंड पैदा होती थी। इट सीम्ड लाइक अ हरिकेन। और ये कैसी दिखाई देती थी, हरिकेन जैसी। हरिकेन मीन्स तूफान। तो सिम्बा के गर्जना करने से एक तूफान जैसा पैदा होता था। ऑन द सवाना वेयर सिम्बा लिव्ड देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जिराफ्स, एलिफेंट्स, हाइनाज एट्सेट्रा। एंड इवन दो इट वॉज नॉट अ पर्टिक्यूलरली ग्रीन प्लेस देयर वर लॉट्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। सवाना जहाँ पर कि सिम्बा रहता था वहाँ पर जो है डिफरेंट यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे जैसे कि जिराफ, एलिफेंट्स, हाइना। और वहाँ पर यही नहीं, ग्रीन प्लांट्स के अलावा वहाँ पर जो है ट्रीज़ और प्लांट्स की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी, स्पीसीज यानी टाइप्स या पार्ट थे। वन डे एस सिम्बा वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। एक दिन जब सिम्बा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, दे सॉ इनॉर्मस मशीन्स डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। तो उसने देखा कि कुछ बड़ी बड़ी मशीनें जो है आई हैं और वो अर्थ के एक अर्थ पर जो है होल कर रही हैं, डिगिंग यानी खड्डा खोद रही हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। द ह्यूमंस आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स सेड वन ऑफ द वाइजेस्ट लाइंस। उन लाइंस में जो सबसे बुद्धिमान जो लाइन था उसने कहा, मनुष्य जो है वो तेल के लिए कुआं बनाने के लिए वहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं। डे बाई डे द मैन बिल्ट मोर एंड मोर ऑयल वेल्स डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। जो मनुष्य हैं वो जो है ऑयल वेल्स बनाने के लिए दिन पे दिन जो काम कर रहे हैं उससे जो है हमारी नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है इस प्रोसेस में। सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विद द फ्यूअर प्लेन्स इन विच टू रन अबाउट एंड ही न्यू दैट इट वॉज द मैन दैट वर कॉजिंग इट ऑल। और सिम्बा के जो फ्रेंड्स थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, फ्यूअर यानी कम, और वो प्लेन जिस पर कि वो दौड़ता था वो भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। दैट इट वॉज द मैन दैट वर कॉजिंग इट ऑल। और इन सब का जो कारण था वो कहीं ना कहीं मैन यानी कि इंसान थे। सो ही डिसाइडेड टू आस्क द वाइजेस्ट लॉयन इन द एरिया फॉर अ सोल्यूशन। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो जो एरिया का सबसे बुद्धिमान जो लाइन होगा उससे इसका सोल्यूशन पूछेगा। द वाइज ओल्ड लाइन सैड, वाइज ओल्ड लाइन सैड ने क्या कहा, द ओनली सोल्यूशन इज फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जीज सच इज विंड इन अ स्टेड। तो उसने क्या कहा कि जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, उनको जो है पेट्रोल का जो यूज़ है वो बंद कर देना चाहिए और इसके बदले में जो है रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे कि विंड का यूज़ करना चाहिए। दैट गेव सिम्बा एन आइडिया एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द वर्ल्ड। और उसने यह डिसाइड किया कि वो जो है वर्ल्ड को एक बहुत ही पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताएगा जो कि क्या है, विंड पावर। सो ही वेंट राउंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड रोरिंग विद ऑल हिज माइट टू क्रिएट अ ग्रेट विंड
that would help men use more renewable energy. तो सिम्बा जो है वो सब कंट्रीज़ में ठीक है गया और वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ गया और उसने जो है अपनी पूरी पावर के साथ में रोर किया यानी कि गर्जना की और सिम्बा की गर्जना करने से जो है बहुत ही पावरफुल विंड क्रिएट हुई ठीक है जो कि इंसान को मदद करेगी रिन्यूएबल एनर्जीज के यूज़ के लिए. इन द एंड अंत में सिम्बा सक्सीडेड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कम्प्लीटली. और जो है लास्ट में सिम्बा को सफलता मिली और जो इंसान जो है पेट्रोल का यूज़ कर रहे थे उसको रोकने में वो सफल हुआ और जो अफ्रीकन सवाना था वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया यानी कि पहले जैसा अच्छा हो गया. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो फिनिश होती है. आगे आपको जो है रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो देख लेते हैं व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच डोंट रन आउट विच कैन बी रिन्यूड. वी कैन कीप यूजिंग दैम एंड वी विल नेवर रन आउट फॉर एवर. एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड विंड, वाटर पावर जिसको कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं एंड सोलर पावर लाइट फ्रॉम द सन. तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया ये जो एनर्जी है वो हमको नेचुरल चीज़ों से मिलती है जैसे कि विंड, वाटर और सोलर पावर. तो आपको पता है ये सारी चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली. विंड यानी हवा, वाटर भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला और सोलर पावर यानी कि सन से आने वाली लाइट. तो इस तरह की एनर्जी को अगर हम अपने यूज़ में लाएंगे तो ये एनर्जी जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी इसलिए इसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है. नेक्स्ट है हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. सोर्सेज आर वंस विच आर लिमिटेड एज वी यूज देम टू जनरेट एनर्जी. दे गेट यूज अप एंड कांट बी यूज सेकेंड टाइम. देयर आर थ्री मेन नोन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच आर रनिंग आउट फास्ट. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो सोर्स हैं वो सोर्स हैं जो कि अगर एक बार ख़त्म हो गए जिनको हम यूज़ करते रहे और जब वो ख़त्म हो गए तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि इनको बनने में बहुत साल लगते हैं. तो ये जो है सोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं. कोल यानी कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस. तो ये सारे के सारे जो हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि वी शुड यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन स्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है. आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.